एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी श्रीवास्तव और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम होता है, बॉयकॉट ऑफ चाइनीज गुड्स इन इंडिया। लेकिन कब तक? सो आफ्टर द ब्लडी क्लैश बिटवीन द इंडियन ट्रूप्स एंड द चाइनीज ट्रूप्स ऑन June 15, 2020 इन गलवान, देयर वर कॉल्स अक्रॉस द कंट्री टू बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट्स। सो ये झड़प होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और इंडिया के 20 जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चाइना अपनी सीमा को लांघ करके भारत आए हो या उसके मामले में दखल दिया हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। और बल्कि इंडिया ही नहीं, चाइना तो अपनी सारी नेबरिंग कंट्रीज के मामलों में दखल देता हुआ आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम मेड इन चाइना को कम्प्लीटली बॉयकॉट करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी कि आत्मनिर्भर। तो इसकी शुरुआत तब होती है जब इंडियन गवर्नमेंट 59 चाइनीज ऐप्स के क्लस्टर निकालती है, जिसमें वो सारे ऐप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं इंडिया में और जिससे चाइना बहुत सारे पैसे कमा रही होती है। इस लिस्ट को टॉप करता है टिकटॉक ऐप। जी हाँ, ये वही ऐप है जो कितना ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया में हम सब जानते हैं, और इस ऐप से चाइना ने बहुत पैसे कमाए। एक ऐसी बीमारी जो पैंडमिक से पहले से चली आ रही है, हम सभी को पता है, जिसका फाइनल इलाज हो गया। सो टिकटॉक का अगर हम फैक्ट्स पे देखें, ध्यान दें, तो वी कैन से दैट वी हैव मोर देन 611 मिलियन डाउनलोड्स इन इंडिया, ओके, जस्ट फ्रॉम टिकटॉक। और 10% ऑफ इट्स रेवेन्यू शेयर कम्स फ्रॉम इंडिया। तो हमें अंदाजा लग ही गया होगा कि टिकटॉक से ऑलरेडी कितने पैसे चाइना के पास जा चुके हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट ऐप आता है यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर हैज 13% मार्केट शेयर इन इंडिया। जस्ट इमेजिन कितना यूज किया है, ये भी पता है। शेयर इट, कोई ऐसा फोन नहीं था जिसमें शेयर इट ना हो, हर बंदा शेयर इट यूज करता था। इट वॉज द मोस्ट एक्टिव ऐप आफ्टर दैट व्हाट्सएप एंड फेसबुक। देन क्लब फैक्ट्री, थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया। शीन, गॉड, शीन दैट फैशन ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म। शीन से रोज 10,000 ऑर्डर्स पर डे जाते थे शीन के पास इंडिया से। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना पैसा ऑलरेडी हम लोग चाइना को दे सकते हैं। तो ये सारे तो कुछ ही ऐप्स हैं, बाकी और भी तो ऐप्स हैं। वी चैट, ब्यूटी प्लस, हर फोन में ब्यूटी प्लस, सेल्फी जो अच्छी आती थी। फिर क्लैश ऑफ किंग्स, और भी बहुत सारे, वी नो इट वेल। तो ये सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया, और जब ये हुआ तो पूरे देश में एक लहर सी उठी जो मेड इन चाइना को डुबाने में लग गई। हर बंदा अपने फोन से चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल करने लगा। एग्रेशन इतना बढ़ गया कि अपने घर का टीवी, स्मार्टफोन उठा उठा के फेंकने लगे, रोड पे आके जलाने लगे, जिंग पिंग के पुतले तक जलाने लगे। तो कितनी चीज़ों को जलाया ये तो पता ही है, जबकि ये हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज़ का पैसा ऑलरेडी चाइना के पास जा चुका है उसको जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हमारे ही होना है, चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि अभी ये सब बस चल ही रहा था, उसको बीते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि हमारे पड़ोसी के बेटे ने एक चाइनीज फ़ोन खरीद लिया, और उसे समझाने के बजाय हम उसके पास जा रहे हैं और सेल्फी खिंचवा रहे हैं। बहुत अच्छी सेल्फी आती है तुम्हारे फ़ोन में यार, चाइनीज़ फ़ोन चलाना यार, इंडिया में तो इतना अच्छा फ़ोन नहीं, मेरी भी खींच लो। तो उसे समझाने के बजाय हमने ये सब किया, इतना तो हटा ही दीजिए। जो जो चाइनीज़ कंपनीज अपने अपने फ़ोन लॉन्च कर रही थी, नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही थी, और फ्लैश सेल में उन चाइनीज़ फोन्स का स्टॉक मात्र 3 सेकंड में पूरा बिक जाता है, सिर्फ 3 सेकंड। वेरी गुड, हमने कितना अच्छा जवाब दिया है चाइना को, इससे बेटर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब सब कुछ वापस ठीक हो रहा है, सारी चाइनीज़ कंपनीज वापस ट्रैक पे आ रही हैं, सब कुछ पहले जैसा हो गया, हम सब कुछ भूल चुके हैं, सारे शहीदों की कुर्बानियों को हम लोग भूल चुके हैं। नई नई चाइनीज़ कंपनीज आ रही, अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस लॉन्च कर रही हैं, फ़ोन लॉन्च कर रही हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया, इट्स द न्यू नॉर्मल अगेन। तो हमें ये समझना होगा कि हम लोग थोड़े तो रिस्पॉन्सिबल बने। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, हर चीज़ पे गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमें ही करनी होंगी ना, कोई हमें तो नहीं फोर्स कर रहा है
कि नहीं तुम मेरा ही फोन लो, ये तो हमारी विल पे, हमारी विश पे कि हम उसका फोन लेते हैं जाके। तो थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए, थोड़ा सेंसिटिव बनिए इन सब चीज़ों को लेकर। सो वी नीड टू बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल, हमें थोड़ा डिसीजन मेकिंग जो होता है ना उस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है कि हम कैसे बिना सोचे समझे ये सारी चीज़ों को भूल के जैसे ही मार्केट में नया चाइनीज़ फ़ोन आता है तुरंत जाके ले लेते हैं। वी डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, सब ये सोचते कि उसके फीचर्स अच्छे हैं, सस्ता मिल रहा है, हमें तो अपने से मतलब है, दुनिया जाए भाड़ में। ये वाला सिनारियो सीन मत रखिए, क्योंकि वो वक्त निकल चुका है जब हम ये बोलते थे ना अवॉइड चाइनीज प्रोडक्ट्स। इट्स नॉट द टाइम टू अवॉइड चाइनीज प्रोडक्ट्स, इट्स द टाइम टू बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली जितना हो सके। तो आप ये समझ लीजिए कि हर कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में इतने सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, इतनी सारी ट्रीटीज होती हैं जिनको नहीं तोड़ा जा सकता। आप ये समझ लीजिए इंडिया हर चीज बैन नहीं कर सकती, अभी से 59 ही चाइनीज ऐप्स बैन हुए, बहुत सारे बच्चे हैं। तो इंडिया हर चीज बैन नहीं कर सकती, इंडिया हर चीज बॉयकॉट नहीं कर सकती। इतना पेपर वर्क होता है कि अगर कुछ यू नो एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज का उल्लंघन किया जाए तो हमारा बायलेटरल ट्रेड भी डिस्टर्ब हो जाता है। इट्स अ डिप्लोमेसी, हम हर चीज को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक चीज है जो हम चेंज कर सकते हैं, वो है अपनी बल, अपने अंदर बदलाव लाइए। हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, दिमाग में लेके चले कि हमें नहीं खरीदना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम चाइनीज ऐप्स यूज नहीं करेंगे तो ये दिमाग में लेके चले। चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी ट्रीटीज साइन करा ले, चाहे दो कंट्रीज के बीच में कोई भी डील हो जाए, लेकिन एक बात याद रखिए, दे कैन नेवर buy or trade the will of the citizens, never। ये सब हम पे है और किसी पे भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको ये समझना होगा कि हमारी एक छोटी सी इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है, हमारी एक छोटी सी इग्नोरेंस की वजह से कितने सारे सोल्जर्स हैं जो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, We do nothing for them। कोई contribution नहीं दे पाते उन्हें, कोई श्रद्धांजलि नहीं दे पाते। एक चीज़ है जो हम जरूर करते हैं, जिस दिन ये हो रहा होता है उस दिन एक चीज़ है जो हर बंदा करता है और सबकी स्टोरी कॉमन होती है, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक पे, रेस्ट इन पीस फॉर आर ब्रेव सोल्जर्स। और इमोजी तो आपको पता है, ये हार्ट वाले इमोजीज, रोने वाले इमोजीज। तो ये सब करने से बेटर है कि अपने एक्शंस में थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए। तो इन सब चीज़ों को करिए या ना करिए, लेकिन अपने एक्शंस में ज़रूर परिवर्तन लाइए कि चाइनीज प्रोडक्ट्स ना खरीदिए। जिस कंट्री ने हमारे कंट्री के सोल्जर्स को ख़त्म कर दिया हो, जिन सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी, कितनी बड़ी बात है। और हम अपनी छोटी सी आदत नहीं बदल सकते, तो अपने अंदर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए तो चीज़ें बदलेंगी। एंड डोंट थिंक अबाउट द अदर्स कि वो नहीं कर रहा है यार तो मैं क्यों करूँ। अपने अंदर चेंज लाइए, आप अच्छे बनेंगे सामने वाला भी अच्छा बनेगा। आप थोड़ा सा दिमाग में सही चीज़ करेंगे तो सामने वाला भी करेगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ हम एक दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते ना कि हम एक दिन जाएंगे और चाइना से सारे बदले लेंगे, हिसाब लेंगे। ऐसा नहीं होगा, वो दिन आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता, एक दिन में सारे हिसाब नहीं ले पाएंगे हम। तो अब पानी मत चढ़ने दो, समझ जाइए बात, यही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। रोशनी तभी तक होगी जब तक आग है, जैसे ही आग बुझेगी अंधेरा ही आ जाएगा। तो अपने अंदर की इस आग को बुझने मत दीजिए, कोशिश करिए, अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाइए कि आप चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात और, हम पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हम पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है सबसे ज़्यादा यंग देश है, कह सकते हैं बोले तो कि वी हैव द मैक्सिमम यू नो नंबर ऑफ यूथ, जिसको बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। तो और ये तो हिस्ट्री प्रूवन ही है, हिस्ट्री इज अ प्रूफ दैट यूथ कैन यू नो टर्न ओवर टेक्टोनिक्स। सो लेट्स मार्च टूवर्ड्स अ सेल्फ मेड एंड सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, आत्मनिर्भर, जिसमें हमें किसी और पे नहीं
यू नो डिपेंडेंट होना पड़े. और हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भी हैं हर आप, क्या आपको पता है टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव टॉप आ गया, शीन का था, मिंत्रा था, हमने कभी यूज़ नहीं किया. तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स थे, लेकिन वही था कि दिमाग में ऐसी टेंडेंसी है कि हम चाइनीजी सामान को इस्तेमाल करते हैं. तो उस चीज़ को बदलिए. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स एंड नॉट ऑल सोल्जर्स स्टैंड ऑन द वॉटर्स. आप खुद भी एक यूनिक पर्सन हैं, आप खुद के छोटे से एफर्ट से भी बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो, और वो चेंज सब आप ला सकते हो. तो प्लीज़ चेंज लाइए. और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद, जय भारत. और प्लीज़ चेंज लाइए और खुद को आज़ाद करिए चाइनीज प्रोडक्ट्स से. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग अस. थैंक यू.